फिरोजाबाद थाना शिकोहाबाद पुलिस द्वारा वाहन चालकों को गाड़ी खराब होने का इशारा करके गाड़ी रुकवाकर करते थे लूट। चालक के उतरने पर केबिन से मोबाइल व नकदी आदि सामान लूट करके भागने वाले गैंग के 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। लुटेरे अभियुक्तों से चोरी के 09 मोबाइल व 1 सूटकेस, 4 जिंदा कारतूस व 02 तनमचे, 14,600 रुपए हुए बरामद। गैंग के 2 अभियुक्त पर हैं कई मुकदमे दर्ज। अपने साथियों के साथ मिलकर विभिन्न स्थानों पर लूट की घटनाओं को देते थे अंजाम। एसपी ग्रामीण ने वार्ता कर किया खुलासा। फिरोजाबाद से देखिए राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। ये सिकोहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत तो आसपास के एरिया में भी खास तौर से ट्रक कंटेनर के ड्राइवरों को लूटने या उनके मोबाइल को चोरी करने के इरादे से रेकी करने वाली एक टीम का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं जो रामगढ़ और रसूलपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका नेतृत्व करता है शाहरुख, जिसके ऊपर पूर्व से भी अभियोग पंजीकृत हैं। इनसे प्राथमिक पूछताछ जो की गई है अभी तक उसके तहत 5 अभियोगों का अनावरण हुआ है। इस अनावरण में 9 मोबाइल, 1 सूटकेस, चेकबुक और लगभग 15,000 रुपये और 2 बाइक जिससे इनके द्वारा घटना कारित की जाती है, 2 तमंचे आदि की बरामदगी हुई है। इनके द्वारा कुछ और घटनाओं की जानकारी बताई गई है जो सिरसागंज व आसपास के अन्य थाना क्षेत्रों के हैं, जिनके विषय में विस्तृत पूछताछ संबंधित आईओ संबंधित थाना प्रभारी आगे कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस पर जो हाईवे पर चलने वाले ट्रक चालक, कंटेनर चालक व अन्य वाहन चालक हैं जिनके अंदर इस तरह की घटनाएं जिनके साथ हुई होंगी, निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं पे रोक लगाने में मदद मिलेगी और इस सराहनीय कार्य के लिए निश्चित तौर पर SSP साहब के द्वारा इनको पुरस्कृत कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पकड़े गए अपराधी किस तरह घटना को अंजाम दिया करते हैं? इनके द्वारा गाड़ियों को इशारे से जो हाईवे पर चल रही उनको रोका जाता था और फिर उनको किसी तरीके से चीटिंग करके या जैसे रुक गए झपट्टा मार लिए या कहीं रुक गए गाड़ी पंचर हो गई है इस तरीके से बता दिया, इशारा कर दिया जिससे उसको लगे गाड़ी में कुछ खराबी आ गई क्या, इस तरीके से रुक गए और जैसे उतरा वैसे तो मोबाइल छोड़ दिया तो चोरी कर लिया अथवा फिर उसको कम स्पीड हुई तो उसको लूट लिया। इस तरह घटना इनके द्वारा की जाती है।